नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल नॉलेजेबल अभियंता में। व्यूवर्स, आज हम जानेंगे कि भारत में पाए जाने वाले कुछ ऐसे दुर्लभ जीवों के बारे में जिनकी जनसंख्या आज के समय में बहुत ही कम हो गई है और ये जीव संकटग्रस्त प्रजाति की लिस्ट में शामिल हैं। ये जीव पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ जीव बर्फीली पहाड़ों पर रहते हैं, कुछ मैदानों में, कुछ वर्षा वनों में, मतलब हर तरह की जलवायु में रहने वाले ऐसे जीव हैं जो कि आज अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चलिए इन्हीं जीवों के बारे में जानते हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई और अवैध शिकार इन जीवों की घटती संख्या का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ऐसे 7 जीवों के बारे में जो कि भारत में ही मुख्यतः पाए जाते हैं और आज इनकी जनसंख्या बहुत ही घट गई है। शुरुआत करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मैमल ऑन लैंड, वन हॉर्न राइनासोरस यानी भारतीय गैंडा। यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है। गैंडे की स्किन बहुत मोटी होती है, एक आर्मर की तरह। इतना बड़ा जीव यह शाकाहारी होता है और इसका वजन करीब 2 टन से ज्यादा हो सकता है। इसकी देखने की क्षमता उतनी अच्छी तो नहीं होती, पर इसके सूंघने की और सुनने की क्षमता कमाल की होती है। यह पानी के अंदर गोते लगाकर खाना को खा सकता है। इनके जो सींग होते हैं उसकी लंबाई करीब 50 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। भारतीय गैंडा अफ्रीकी गैंडे से कुछ अलग होता है। अफ्रीकी गैंडों के सिर पर 2 सींग होते हैं और भारतीय गैंडों के सिर्फ 1 सींग होते हैं, इसलिए इन्हें वन हॉर्न राइनोसोरस भी कहा जाता है। जंगलों की कटाई और इनका अवैध शिकार, ये 2 सबसे मुख्य कारण है जिस कारण आज भारतीय गैंडों की संख्या बहुत ही ज्यादा घट गई है। भारतीय गैंडों को अवैध शिकार का सामना करना पड़ रहा है। शिकारी भारतीय गैंडे की सींग को काट लेते हैं, जिस कारण कई बार इन गैंडों की मृत्यु हो जाती है। इन सींगों की कुछ एशियाई देश जैसे कि वियतनाम में बहुत ऊंची कीमत है। वियतनाम के उच्च वर्ग के लोग गैंडों के सींग हासिल करना चाहते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि 1 किलो गैंडे की सींग की कीमत वियतनाम में $1,00,000 पर केजी है। भारत में गैंडों की संख्या मुख्य रूप से काजीरंगा नेशनल पार्क, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में आज के समय में करीब 3,700 के करीब भारतीय गैंडे मौजूद हैं। चलिए एक दूसरी प्रजाति के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर एक बकरी यानी गोट की प्रजाति है जो भारत के वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, मुख्यतः केरला और तमिलनाडु के रेन फॉरेस्ट में। इनके घुमावदार सींग होते हैं और इनके शरीर पर मोटे और छोटे फर की कोटिंग होती है। नीलगिरी तहर वेस्टर्न घाट के पहाड़ों पे 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। यह गोट यानी यह बकरी खड़ी ढलानों पर चढ़ने में एक्सपर्ट है। जंगलों की कटाई और इनका अवैध शिकार इनकी घटती संख्या का सबसे मुख्य कारण है। इन्हें इनके कीमती मीट के लिए मारा जाता है। नीलगिरी तहर की मुख्य जनसंख्या पेरियार नेशनल पार्क और इराविकुलम नेशनल पार्क में सीमित रह गई है। एक अनुमान के मुताबिक नीलगिरी तहर की जनसंख्या करीब 3,122 बताई गई है। तीसरे स्पीसीज की बात करते हैं। यह है जंगल का राजा यानी भारतीय शेर। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, पर लगता है इस राजा को इंसानों की नजर लग गई है। एशियन शेर जो कि एक समय भारत के कई हिस्सों में पाया जाता था, आज ये सिमट कर गुजरात के गीर के जंगलों में ही पाया जाता है। यानी कि वही गीर का जंगल इस राजा का अंतिम शाही आश्रय है। इंसानों ने इस राजा का आश्रय छीन लिया है और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इनकी जनसंख्या सिर्फ 674 रह गई है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई, जिससे शेरों का आवास नष्ट हो गया, उनके शिकार नष्ट हो गए,
और पूरे भारत को छोड़कर सिर्फ गिर के जंगलों में ही इनकी जनसंख्या रह गई है। उम्मीद करता हूँ कि इनकी जनसंख्या में और बढ़ोतरी होगी और हमारी आने वाली पीढ़ी भी भारतीय शेरों को देख पाएगी। चौथे स्पीसीज की बात करते हैं, यह है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर के बारे में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा बिग कैट है। हमारी संस्कृति में इसे पूजा जाता है। दुनिया का 70% जंगली बाघ यानी जंगली टाइगर भारत में ही पाया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। बाघ के नेचुरल हैबिटेट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ग्रास के जंगल और मैनग्रोव, और इन सबों को इंसानों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है जिस कारण इनकी जनसंख्या तेजी से घटी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इनकी जनसंख्या घटने का, वह है अवैध शिकार। बाघों को उनके खूबसूरत स्किन और शरीर के अंगों के लिए मारा जाता है। बाघों के ये शरीर के अंग चीन भेजे जाते हैं और चीन इसका सबसे बड़ा मार्केट है। वहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में बाघों के अंगों का उपयोग किया जाता है। भारत में बाघों की जनसंख्या सिर्फ टाइगर रिजर्व में ही सीमित रह गई है और भारत में कुल 48 टाइगर रिजर्व है। कुछ मुख्य टाइगर रिजर्व के मैं नाम लेता हूँ, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और रणथंबोर टाइगर रिजर्व। एक अनुमान के मुताबिक भारत में बाघों की जनसंख्या 2967 बताई गई है। पांचवा जो नाम है वो है ब्लैक बक्स यानी कि काला हिरण। यह भारत में एक दुर्लभ प्रजाति है। घास के मैदानों में और पतले जंगलों में इनका मुख्य आवास स्थल है। यह करीब 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। एक समय यह भारत के कई स्थानों में या कई जगहों पर पाया जाता था, पर घटते जंगल और ज्यादातर मैदानों का खेती के लिए उपयोग होने के कारण इनकी जनसंख्या में तेजी से गिरावट हुई है। अवैध शिकार भी इसका एक मुख्य कारण है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां आज भी हम इन ब्लैक बक्स को देख सकते हैं, वह है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क। एक अनुमान के मुताबिक भारत में काले हिरण की जनसंख्या करीब 25,000 के आसपास बताई गई है। काले हिरण के शिकार से जुड़ा हुआ एक फेमस केस आपको बताता हूँ। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर में सलमान खान अपने कुछ को स्टार के साथ मिलकर काले हिरण का शिकार किया था। आज भी कोर्ट में यह केस चल रहा है। देखते हैं उस काले हिरण को इंसाफ कब मिलता है। इस लिस्ट में छठा जो नाम है वो है स्नो लियोपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में यह हिम तेंदुआ पाया जाता है। यह बर्फीले मौसम में रहने के लिए ढल चुका है। अपने खूबसूरत मोटे फर के कारण यह सर्दियों को आसानी से झेल लेता है। यह पहाड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट होता है और इसकी मोटी दुम इसे बैलेंस प्रदान करती है ताकि वह पहाड़ों पर भी छलांग लगा सके। इसकी रफ्तार करीब 88 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। यह साइज में नॉर्मल तेंदुए से थोड़ा छोटा होता है। वजन करीब 50 से 55 किलो तक हो सकता है। यह हिम तेंदुआ हाई एल्टीट्यूड पर पाया जाता है यानी कि करीब 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह तेंदुआ पाया जाता है। भारत के कुछ राज्य जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में जो हिमालय रेंज की पर्वतमालाएं हैं वहां की बर्फीली चोटियों पे स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। हिम तेंदुए का शिकार का दो मुख्य कारण है। पहला, ठंड के दिनों में हिम तेंदुआ पहाड़ के निचले स्थानों पर आ जाता है और गांव में मौजूद पालतू पशुओं का शिकार कर लेता है जिस कारण गांव के लोग भी कई बार हिम तेंदुओं को मार देते हैं। और दूसरा कारण है, हिम तेंदुओं को उसके खूबसूरत फर के कारण मारा जाता है जिसकी बहुत ही ज्यादा कीमत बताई जाती है ब्लैक मार्केट में। इस लिस्ट में आखिरी जो जीव है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप अपने घर पे रखे टेडी बेयर को इस जीव से रिप्लेस कर सकते हैं। ये इतना खूबसूरत है। इसका नाम है रेड पांडा। हालांकि ये कुंफू पांडा तो नहीं है पर है बहुत प्यारा और क्यूट। यह रेड पांडा पेड़ों पर रहता है। इसका मुख्य भोजन बांस की सॉफ्ट पत्तियां हैं। यह दिन भर सोता रहता है
और केवल रात में ही खाने की तलाश में निकलता है। भारत में यह जीव आसाम, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है, जहां का टेम्परेचर 10 डिग्री से 25 डिग्री तक मेंटेन रहता है। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई के कारण इसकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई है, क्योंकि रेड पांडा खाने में बहुत चूजी होता है। वह सिर्फ बांस की कोमल पत्तियां ही खाएगा, कुछ और नहीं खा सकता, जिस कारण अलग एनवायरनमेंट में यह जिंदा नहीं रह पाता। अवैध शिकार भी एक मुख्य कारण है इनकी घटती जनसंख्या का। इस खूबसूरत पांडा को अपने इस खूबसूरत फर की वजह से ही मारा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में रेड पांडा की जनसंख्या करीब 5000 से 6000 बताई गई है। तो व्यूअर्स, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी कुछ नई लगी होगी। इस वीडियो में तो मैंने केवल 7 ही जीवों के बारे में बात की है, और भी ऐसे जीव हैं जो अपने वजूद की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम सभी देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि इनके संरक्षण में अपना योगदान दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक भी इस जानकारी को फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद।